मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1-2-3 संबंधित बहुत बड़ी अपडेट। कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें सभी जो नव नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है डिपार्टमेंट की तरफ से। आगे बात करेंगे भर्ती परीक्षाओं को लेकर, एक बड़ी अपडेट यहाँ पे दी गई है शिवराज सिंह जी के द्वारा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नए 12,000 शिक्षकों के जो पद हैं किसको मिलेंगे, वर्ग 1, 2 या 3 को, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आगे ये है कि जो खुशखबरी है, यानी जो 12,000 पद है जिसको जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम लगभग चुनाव के पहले उसको कंफर्म करेंगे, तो ये क्या तीसरी काउंसलिंग के रूप में होगा, क्या इसका होना कंफर्म हुआ है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें ताकि हर अपडेट और हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे सबसे पहले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, बताया गया है कि जगदीश देवड़ा मंत्री वित्त वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश शासन भोपाल। तो आप देख सकते हैं उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है, और आइए मैं आपको बता देता हूँ इस लेटर में क्या उन्होंने कहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्रीमती काजल सक्तावत तथा समस्त नवनियुक्त शिक्षक संघ स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय के द्वारा प्राप्त पत्र मूलतः संलग्न प्रेषित है, जिसमें उल्लेखनीय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नव नियुक्त शिक्षकों को 100% वेतन एवं 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि प्रदान करने की घोषणा की थी। यानी ऐसा पहले ही कह दिया गया था कि 2 वर्ष तक में उनकी जो परिवीक्षा अवधि है वो प्रदान की जाएगी, और साथ ही साथ 100% उनका जो वेतन है दिया जाएगा। अतः उपरोक्त के आलोक में स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों को 100% वेतन एवं 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि प्रदान किए जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जितने भी न्यू शिक्षक ज्वाइन ले चुके हैं, उन तमाम शिक्षकों के लिए जो पहले ही घोषणा करी जा चुकी है कि उनको लगभग 100% वेतन दिया जाएगा, तो वो उसी चीज़ की अब यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि लगभग जो 100% वेतन है अब उन तमाम शिक्षकों को प्रदान किया जाए जो कि पहले ही घोषणा में कही गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो नव नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी और आप कह सकते हैं कि खुशखबरी वाली बात है। इसके बाद आगे बात करें तो ये जो 12,000 पद हैं, यानी कि जो शिक्षा मंत्री ने पहले कहा था कि 12,000 पद हम चुनाव के पहले भरेंगे, तो क्या ये वर्ग 1, 2 या 3 किसको मिलेंगे? तो देखिए, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं आया है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर ये आता है तो जहाँ तक चांस है इसको तीनों ही वर्ग में बांटा जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हर वर्ग में इसको दे दिया जाएगा। तो देखिए, आने को कुछ ना कुछ पद हर कैटेगरी में आएंगे, आप चाहे वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें या वर्ग 3 की बात करें, तो ये आएंगे। अब कब तक में आएंगे इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता कोई भी लेटर, तो इसके लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है, लेकिन आप इस बात से थोड़ा सा ज़रूर कंफर्म हो सकते हैं कि जो थर्ड काउंसलिंग है वो ज़रूर करी जाएगी, क्योंकि आवाज़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है। तो चुनाव के पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के हित में बात आएगी, जैसे कि अति शिक्षकों के हित में अभी तक जो भी घोषणा करी मुख्यमंत्री ने वो उनके हित में की, तो ऐसे ही आप लोगों के लिए थर्ड काउंसलिंग की जो सूचना है और जो खुशखबरी है जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट और छोटी सी नोटिफिकेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ों को कंटिन्यू किया जाए और आप लोगों तक प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन से क्या होते हैं कि आपको कोई भी वीडियो हमारे चैनल से सबसे पहले मिल जाते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।